चलिए बढ़िया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए फाउंडेशन मतलब CBSE। तो पहले तो हम लोग CBSE को टारगेट करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम CBSE एंड देन ग्रेजुअली वी मूव टू नीट एंड देन IIT। ठीक है, तो ये गमछा है, आपको पता है गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो अगर आप बाहर निकले तो गमछा ले के निकले क्योंकि बहुत लू चल रही है। बाकी भाई जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं AC वाले अमीर लोग, उनकी बात अलग है, हम बाइकर्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं हम लोग आज, और जो टॉपिक है वो है आपका डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस मैं आपका अपना अनुसर भाई IITN अनुसर करोल बाग न्यू दिल्ली सेंटर से। सेशन चालू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है कि जो रीजनल कोचिंग्स हैं उसमें 50-60+ बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जो भी रीज़न हो। एक लहर आई है और बच्चों फिजिक्स आप उनसे पढ़ रहे हो, वो भी IIT की और JEE की और नीट की, जिन्होंने कभी भी इन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं भरा है। तो पहली बात तो आप गलत जगह पे हो, फर्स्ट थिंग्स, पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात। और क्लास 11th में आपको वो पता भी नहीं चलने देंगे कि आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो पहली बात तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि 40 या 60 या 50 बच्चों का जो बैच है आप उसमें पढ़ रहे हो, इट नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, एनीवे पढ़िए आप, और पढ़ने के बाद जब आपका रिजल्ट ख़राब हो जाए 1.5 महीने बाद, तो आपके अपने अनुज भैया तो नहीं है ना? अनुज भैया ऑलवेज फॉर यू, तो आप हमसे मिलिएगा, आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जैसे JEE मेंस का क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, ये JEE मेन का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा जूम कर देते ताकि देखिए, ये दिस इज अ JEE मेन क्वेश्चन, जिसमें लिखा है वैलिडेट द रिलेशन, वैलिडेट द रिलेशन एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेयर U इज इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन एंड T इज टाइम। तो JEE मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देखिए नहीं आते हैं, एडवांस में आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। JEE मेंस का क्वेश्चन है ये, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये CBSE में भी आएगा। ठीक है, स्कूल के हिसाब से भी, जो आपका CBSE कैरिकुलम है उसके हिसाब से भी। न्यू कैरिकुलम देखो आ गया है और मैंने शेयर भी कर दिया ग्रुप पे, तो आप लोग देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना, जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे। अगर देखिए डायमेंशनली अगर ये करेक्ट है, तो जो जानने वाली बात ये है कि लेफ्ट हैंड साइड, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्वांटिटी शुड बी सेम। मतलब ये एक डायमेंशन है, इसका मान लीजिए डायमेंशन D1, इसका डायमेंशन लेट से D2, और लेट से दिस इज डायमेंशन D। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू D1, D इज इक्वल टू D2, ये होना चाहिए। बहुत ही बेसिक से, बहुत आराम आराम से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ते, जो पहली बार भी पढ़ रहा हो तो उसको भी समझ आए, इस एटीट्यूड के साथ पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे डायमेंशन ऑफ S, ये एक डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन होगा M0, L0, नॉट L0, L1, T0, क्योंकि लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन होती है L, L पे पावर 1। तो डायमेंशन क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे
जो पावर रेस की जाती है उसको डायमेंशन कहते हैं। अगर हम डायमेंशन ut का बनाए, दैट इज डायमेंशन d1 u into t, u वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी की डायमेंशन निकलती है कैसे, अगर आपको उसका साइन याद है मीटर पर सेकेंड, तो l मीटर के लिए और टाइम के लिए t, तो ये हो जाएगा m0 l1 t माइनस वन, और यहाँ पर भी t मल्टीप्लाई में है वन में, तो अगर आप t मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन और प्लस वन आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और आपको डायमेंशन मिलेगा m0 l1 t0। देन हम यहाँ से कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d1, डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू d1, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। नाउ चेक डायमेंशन ऑफ d2, लेट्स चेक द डायमेंशन ऑफ d2। सो डायमेंशन ऑफ d2 इज हाफ at स्क्वायर, कॉन्स्टेंट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये तो चला गया, बचा आपका at, एक्सेलरेशन और t का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीटर का लेंथ और टाइम का टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा बेटा एम जीरो एल वन टी माइनस टू, और यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, टी स्क्वायर और माइनस टू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये आपको यह डायमेंशन मिलेगा एम जीरो एल वन टी जीरो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ d इज ऑल्सो इक्वल टू d2, तो बाय डायमेंशनली d1 इज इक्वल टू d1 एंड d2, तीनों ही डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं देयर फोर द गिवन इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। कैन आई से दैट, इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर सबको, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थ्योरी आ गया है यहाँ पे, ये पहले आना चाहिए था, यूज़ ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो डायमेंशन का यूज़ तो एक तो यही कि जो फिजिकल लॉज है उसको वैलिडेट करने के लिए, जो इक्वेशन दिए गए हैं कि वो सही है या गलत है उसको, और अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी, आपको ये स्टेटमेंट पता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड करती है, तो आप उससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। To test and validate the correctness of physical quantity and equation of formulas, conversion के लिए भी use करते हैं, ठीक है, to convert the one system of unit to another system of unit, उसके लिए भी हम use करते हैं, to validate the correctness of physical quantity and formula, to derive the relation between different physical quantity, ठीक है, conversion of one system of unit to another system of unit, तो अभी हम देखेंगे ये application में, अभी हम देखेंगे पहला दे first, second, third, ये तीनों का तीनों अभी हम लोग अभी अपने क्वेश्चंस के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। ये कन्वर्जन का है, अभी कन्वर्जन वाला थोड़ी देर बाद में करेंगे। लिमिटेशंस क्या है डायमेंशन एनालिसिस के, तो लिमिटेशंस देखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो डायमेंशनलेस इक्वेशंस हैं, हम उनके नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं, ये उसका ड्रॉबैक है। सेकेंड, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कभी भी डायमेंशन की मदद से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं बता सकते हैं, ये हमारा एक ड्रॉबैक है। साथ ही साथ जो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेशन में लॉगरिथम एक्सपोनेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो हम ऐसे रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक है। ओके, लेट्स चेक करेक्टनेस ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो होपफुली दिखना चाहिए, अगर सम हाउ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है अ बॉडी ऑफ मास एम हंग, दिख तो रहा है वैसे, एट वन एंड ऑफ स्प्रिंग एग्जीक्यूटेड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज के, वेल इट्स पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज टी। अब यहाँ पे आपको एक तो फोर्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए, जो कि होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम वैसे ड्राइव कर लेंगे अभी, कैसे देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था क्या, एल वन
टी माइनस टू, तो क्या हो गया एम वन एल वन टी माइनस टू, ये आपका फोर्स का डायमेंशन हो गया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप इसको रफ में बना लीजिए। तो ये भी L1 है, तो ये बना आपका M1 L0 T माइनस टू, ये आपका फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग का डायमेंशन आ गया K का। अब आपको ये बताना है कि जो फॉर्मूला हमने दिया है आपको वैलिडेट करना है कि ये जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू टू पाई स्मॉल m अपॉन K, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप कैसे बताओगे, आप ये बताओगे सर अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए करिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, तो देखिए कैसे होगा, लेट्स डू इट। डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड तो देखो टी होगा, लेट्स से दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो टी आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आपका आएगा एम जीरो एल जीरो टी वन। लेट्स कम टू द राइट हैंड साइड, कॉन्स्टेंट का डायमेंशन बिल्कुल नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो केवल बचा मास और के, मास आपका एम है और के का हम अभी निकाले हैं दैट इज एम वन एल जीरो टी माइनस। बहुत ध्यान से देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका m माइनस वन जीरो, एल तो जीरो है ही है, t आ गया टू। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं, मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो करा दिया सेंटर पे ये क्वेश्चंस, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है जो स्वभाव मेरे को कहीं से भी देख रहे होंगे उनके लिए, ये सारे क्वेश्चन बेटा जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ डीपीपी के माध्यम से क्लास में सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, पहले आप जब क्लास अटेंड करोगे आपको समझ आ जाएगा कि जो रियल फिजिक्स होती है वो मैं पढ़ाता हूँ, बकवास नहीं करता हूँ, बस समझना। बाकी लोग क्या पढ़ा रहे हैं आप कंपेयर तभी कर सकते हो जब आप मेरे से एक बार पढ़ लोगे, यहाँ पे सिस्टम में जब आओगे, इंस्टीट्यूट में आओगे और जब देखोगे कैसे वे ऑफ टीचिंग है, कैसा कैरिकुलम है, कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, तो वो आपको समझ आएगा क्यों कि हम कैसे डिफरेंट हैं बाकियों से, कि कितनी मेहनत की जा रही है बच्चों के लिए यहाँ पे, वो आपको तभी समझ आएगा। बेस्ट नोट्स आपको मिलेगा हैंड रिटन, बेस्ट प्रिंटेड नोट्स मिलेगा आपको, बेस्ट मॉड्यूल आपको डीपीपी मिलेगा। जो मेरे क्वेश्चंस बैंक होते हैं बेटा उसमें सीबीएसई, नीट, आईआईटी, एनडीए, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं, तो जो वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो पूरा आपका होता है जो मैं कराता हूँ। क्योंकि अगर आपने सीबीएसई का पेपर देखा होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा मेरी बात को, अगर आपने इस साल का पेपर देखा होगा बोर्ड का तो आपने देखा होगा जेई लेवल का क्वेश्चन डाल दिया गया था। कुछ बच्चे तो ये भी हाय तौबा कर रहे हैं कि भैया एनीवे सॉरी ये मैसेज क्लासेस के
तो आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। तो अगर आप अभी 11th क्लास में हो, अगर आपको आज से ट्रेन नहीं करेंगे, मजे मजे में आप 11th पढ़ोगे, तो 12th आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। तो जो टॉपर्स हैं ना, उनके 11th में बेटा, 11th में जो 10th के टॉपर्स थे ना, 10th के टॉपर्स, तो वो लापरवाही में 1-2 महीना निकाल देते हैं मजे मजे में, रिजल्ट का वेट करते हैं। अभी तो घूमने भी गए हैं कि रिजल्ट आ जाएगा तब से पढ़ेंगे, तब बुक खरीदेंगे। तो बेटा उनके ना नंबर जो आते हैं वो 40 आते हैं आउट ऑफ 70। टॉपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, टॉपर्स की। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने सीनियर से पूछ लेना अपने स्कूल में, और नहीं तो आपका भी आ ही जाएगा। तो वो कहते हैं ना, सामने आएगा ही तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है। बट मैं आपको वॉर्न कर रहा हूँ, बट आप वॉर्न मेरी मानेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, जब तक हाथ आपका जलेगा नहीं तब तक आप भी नहीं मानोगे। जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को कहा जाता है बेटा वहाँ उधर मत जाना, उधर कुआं है गिर जाओगे, गड्ढा है गिर जाओगे। लेकिन छोटा बच्चा वहाँ जाता है वो गिरता है, वैसे ही आप भी हो। आप तब तक नहीं मानोगे जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, ठोकर नहीं खाओगे। ठोकर खाओगे तब तक लेट हो जाएगा, फिर आप रोओगे क्योंकि टीचर की बात तो माननी नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एज्यूमिंग द फोर्स एफ लेंथ एल टाइम टी हैज अ फंडामेंटल यूनिट, हैज अ फंडामेंटल यूनिट मतलब इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है। डराइव द डायमेंशन ऑफ मास, आपको मास का डायमेंशन बनाना है। तो हम कह लीजिए मलेट से मास इज इक्वल टू एफ पे पावर एक्स, एल पे पावर वाई एंड टी पे पावर जेड। फोर्स का डायमेंशन अभी आपने देखा, एम वन एल वन टी माइनस टू, लेट से पावर एक्स, लेंथ एल वाई एंड टाइम एल जेड। आप इधर भी लिख लो एम जीरो एम वन सॉरी एल जीरो टी जीरो। एक स्टेप और करें आप इसको, तो आप देखेंगे इधर एम एक्स एल एक्स टी माइनस टू एक्स एल वाई टी जेड। सेम क्वांटिटी एक तरफ लिख लीजिए, एम एक्स एल एक्स प्लस वाई एंड टी माइनस टू एक्स प्लस जेड। नाउ कंपेयर द डायमेंशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ की पावर को कंपेयर कर लीजिए। तो व्हेन यू कंपेयर, आपको एम एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वन। अगर आप एम से एम कंपेयर करेंगे तो आपको एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वन। एक्स प्लस वाई क्या मिलेगा, जीरो, अगर आप एल से एल कंपेयर करते हैं। और अगर आप टी से टी कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वन है, अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अगर हम यहाँ पे सब अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें एक्स की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में, तो माइनस टू इज इक्वल टू वन प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, सो जेड इज इक्वल टू टू, जेड इज इक्वल टू टू। यहाँ से आपको देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू वन मिल गई, वाई की वैल्यू माइनस वन मिल गई और जेड की वैल्यू टू मिल गई। आपको डायमेंशन बनाना था, आप सब्सिट्यूट कर दीजिए, सब्सिट्यूट यहाँ कर दीजिए। स्टार्टिंग में जो हमने ज्यूम किया था इस वाले पार्ट में सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ पे पावर वन, एल पे पावर माइनस वन एंड जेड पे पावर अरे टी पे पावर टू। तो आपका फाइनल आंसर आ गया एफ वन एल माइनस वन टी टू, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ मास इन रिस्पेक्ट ऑफ एफ एल टी। इज इट क्लियर? और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको होमवर्क में है, आप करें इसको। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वी विल रिकॉर्ड वीडियो। ये कुछ कॉमन डायमेंशंस हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं और आपको ये याद होने चाहिए। दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट डायमेंशन दैट फ्रिक्वेंटली यूज इन योर सिलेबस, तो इनको आप मगअप कर लीजिए। फोर्स कॉन्स्टेंट देखो, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट 34th है, अभी हमने यूज़ किया। ये कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी और वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस मोर इन अपकमिंग क्लासेस। तब तक स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे,
मिलते हैं अगली क्लास में।